गाइस आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे विंडो 10 और विंडो 11 को स्लीप मोड में रन करते हैं। तो गाइस आप स्लीप मोड में रन करने के लिए आपको दो टाइप से आप विंडो 10 या विंडो 11 को स्लीप मोड में ऑन कर सकते हो। विंडो के साथ में आर की प्रेस करेंगे और रन में आपको टाइप करना है MS config टाइप करने के बाद में आपको ओके कर देना है। इसके बाद में ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू खुल जाएगा, इसमें आपको बूट पे क्लिक करना है। ये मेन्यू खुल जाएंगे, इसमें आपको सेफ बूट पे टिक मार्क करना है। और उसके बाद में गए सेफ बूट पे टिक मार्क करने के बाद में अप्लाई, उसके बाद में ओके कर देना है। उसके बाद में गए आपको ये रिस्टार्ट के लिए पूछेगा, तो ये आपको रिस्टार्ट कर देना है। तो ये अब जो स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद में ये डायरेक्ट सेफ मोड में ऑन होगा। तो ये दो तरीके से आप अपने पीसी को सेफ मोड में ऑन कर सकते हो। तो मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, तो गाइज ये रिस्टार्ट हो रहा है अभी। सेफ मोड में ऑन हो चुका है, देखो चारों कोनों पे लिख के आ रहा है सेफ मोड। तो इस प्रकार से आप अपने पीसी को इस प्रकार से आप सेफ मोड में ऑन कर सकते हो। दूसरे तरीके से आपको सेफ मोड में ऑन करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, चाहे विंडो 10 हो चाहे विंडो 11 हो, ये सेम मेथड आपको यूज करना है। इसमें आपको डाउन वाले मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करेंगे और आपको रिस्टार्ट करना है। शिफ्ट की दबा के रखनी है, इसके साथ में शिफ्ट की होल्ड रखनी है और रिस्टार्ट करना है। कुछ सेकंड के बाद शिफ्ट की को रिलीज कर देंगे, सब छोड़ देंगे। इसमें आपको गाइस ये मेन्यू आपके सामने शो हो जाएगा, इसमें आपको टर्बल शूट पर क्लिक करना है। इसमें फिर आपको एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसमें आपको क्लिक करना है स्टार्टअप सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और रिस्टार्ट, फिर से रिस्टार्ट होगा। और इसमें आपको गाइस जैसे अनेबल डबिंग मोड में अगर ऑन करना है तो F1 की प्रेस करनी है। वो सेफ मोड में जैसे अनेबल बूटिंग लॉगिंग मोड में रन करना है तो F2 की प्रेस करना है। जैसे अगर आपको अनेबल सेफ मोड में ऑन करना है, कोई भी जैसे कोई ड्राइवर है, कोई वायरस वगैरह है या कुछ ट्रबल शूट करना है, तो आपको जैसे 4 नंबर से मतलब फंक्शन की के साथ में F4 दबाएंगे तो सेफ मोड में अनेबल सेफ मोड में रन होगा। F5 दबाएंगे तो अनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग, आपको अगर नेटवर्क वगैरह डायग्नोस करना है उसके साथ में तो आप अनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग, 5 का मतलब F5 से है। तो मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ अनेबलिंग सेफ मोड विद नेटवर्किंग। इसमें क्लिक करने के बाद में ये आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से गाइज आप अपने पीसी को सेफ मोड में रन करवा सकते हो। और जो भी आपकी नेटवर्क की या सॉफ्टवेयर या कुछ अपडेट की कुछ प्रॉब्लम है उसको इस प्रकार से आप डायग्नोस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसी नई नई टेक्निकल वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।